आ जाओ ना, एक दफा आ जाओ ना, माँ को शक्ल दिखा दो ना बेटे, आ जाओ ना दादी, आ जाओ। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। तुमने मारा है उसे। अल्लाह माफ करे, पहले बेटा जल गया और अब मियाँ साथ छोड़ रहा है। वो लड़की नीम पागल है। आए दिन उसे दौरे पड़ते रहते हैं, किसी का कंट्रोल में ही नहीं रहती। उसे कहिए कि चली जाए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बात सुनो, मैं साजिदा नहीं हूँ जिसके घर पर तुम पड़ी रही हो। मुश्किल बड़ी बड़ी है, जाने कैसी घड़ी है, नापे है सारे रास्ते, हूँ पागल हुआ। ना इसको कुछ पता है ना उसको कुछ खबर है, कोई तो हो की बूटी या कोई दवा। हर घर को खटखटाया, ना जाने क्या क्या किया। सच कहती है ये दुनिया, लगता है कि ही मसला। शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सिग्नल, शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के सब सिग्नल। तो वाईफाई के सिग्नल कम है, शीदे के ये सिग्नल। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आओ बैठो। नहीं आंटी, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना, नहीं उठूंगा। सदके मुझे आपकी चॉइस पर जरा भरोसा नहीं है। असर और मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूं, कोई और नहीं। अरे भला ये क्या बात हुई, पहले ही ब्लैंक चेक देके आ रही हूँ, जान अटकी हुई है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग उसमें से एक रुपया भी नहीं निकालेंगे। इस ब्लैंक चेक का मतलब है कि एक कौड़ी भी ना निकाली जाए। अम्मा, आप उनकी अच्छी डीड को नेगेटिव एंगल क्यों दे रही हैं? अम्मा, लोग ठीक लगे आपको? मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। मेरा तो पता नहीं क्यों दिल नहीं ठोकरा। क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते थे? हमारे लिए ज्यादा खुश हो तुम्हें अपनी मोहब्बत जो मिल गई, और ये नाचीज दिल भी किसी के काम आ सका। आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली? मिली है, लेकिन खुशी मुझे ज्यादा तुम्हारे लिए। माने ना दिल, माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं। शक्तियां बढ़ रही हैं, तुम्हें ऐसे ढूंढ रहे हैं जिसे मौत का फरिश्ता ढूंढ रहा होता है। समझा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त कम नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है। मैं ज्यादा देर कुछ नहीं कर सकती, मुझ पे बहुत शक कर रहे हैं, कड़ी नजर रखी हुई है मुझे। कई दिनों से देख रही हूँ आप एक कश्मकश में, नहीं देख सकती मैं आपको ऐसे। तो क्या करे हम, क्या करे? तुम्हारा बादल ने बर्बाद कर दिया हमको। मेरा बादल नहीं है वो, तेरे आप हैं। अगर आप मुझ पे भरोसा करें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ बादल को पकड़ने में। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। वापस जाने के लिए नहीं आई बादल, मेरा वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। वापस जाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये ढूंढ रही है। तुमने मेरे बैग से क्यों निकाला? क्यों छुपाया आपने ये? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। चुराया क्यों? मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि इतना बेकार सा फोन छुपा के इतना अच्छा फोन क्यों दिया उसको। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, इतनी पुरानी बातें। हमारी माएं और नानियां ना ऐसी बातें किया करती थी। अब जमाना बदल गया है कि बेटी के ससुराल में ना पानी भी पीना हराम है। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो पहले ही दिन कहा था ना कि मैं बहन हूँ आपकी। हाँ, और मैं आपका बेटा। भाई मैंने नेहा को ना पार्लर की जिम्मेदारी दी थी, वो अपनी माँ की खिदमत में लग गई है। तुम्हें पता ना कितना मुश्किल है पार्लर चलाना। अब पार्लर कैसे चलेगा? मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मेरे पैर में अभी भी बहुत दर्द होती है। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब नहीं कि तुम तीनों बच्चे ना बिल्कुल ही लापरवाह हो जाओ अपनी माँ की तरफ से। हाँ आओ आओ, मैंने रानी से कह दिया कल उसकी माँ आ जाएगी तुम्हारी अम्मी को संभालने। हरीम यहाँ क्या कर रही? किसी नागहानी आफत की तरह बार बार हमारे सामने आ जाती है। जितना मैं फायज को से दूर करने की कोशिश करती हूँ, काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। हमारे फैमिली के फंक्शन में ये क्यों आई हुई है? आई एम सॉरी मैडम, ये मेरी असिस्टेंट हैं, आप किस तरीके से बात कर रही हैं? रुक जाइए, ये निकाह नहीं हो सकता। ये लोग करप्ट और धोखेबाज। सलमा आपने इतना बड़ा धोखा दिया है हमें, आपको अंदाजा है? चलो वकास।